आदि केंद्रीय युवक परिषद की ओर से सेक्टर 46 समाज भवन में 19 से 23 जून तक चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से युवा पहुंचकर आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से लाठी चलाना योगा में युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। केंद्रीय आर्य युवक सभा की ओर से यह शिविर हर वर्ष ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में लगाया जाता है, जिसमें वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है और भारतीय संस्कृति को संजोए रखने के बारे में भी शिक्षा दी जाती है। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि आजकल इंटरनेट के जमाने में विद्यार्थी फेसबुक, व्हाट्सएप व अन्य चीजों से बाहर नहीं निकल पाते और ना ही शारीरिक मेहनत कर पाते हैं, इसलिए इन शिविरों में विद्यार्थी को चरित्र निर्माण के बारे में शिक्षा दी जाती है और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया जाता है। विद्यार्थी इस शिविर में छोटी उम्र से शामिल होना शुरू कर देते हैं ताकि वह बड़े होकर आत्मरक्षा के गुर व अन्य भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में जान सके। विद्यार्थियों द्वारा इस मौके पर लाठी चलाने के हैरत अंग्रेज कारनामे दिखाए गए और योगा में भी विद्यार्थियों द्वारा अपना बेहतर प्रदर्शन किया गया। इस शिविर में बच्चों को परिवार से दूर दूर रहने के बारे में भी सिखाया जाता है और जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा भी दी जाती है। केंद्रीय आर्य युवक परिषद करनाल द्वारा आर्य केंद्रीय सभा करनाल के तत्वाधान में आर्य युवक चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन आर्य समाज सेक्टर 6 में किया जा रहा है। ये शिविर 19 जून से लेकर 23 जून तक लगाया जाएगा और जिसका समापन कल 23 जून को आर्य समाज सेक्टर 6 में होगा। इसमें लगभग 80 विद्यार्थी जो है शिविर में भाग ले रहे हैं और ये विद्यार्थी करनाल के विभिन्न स्थानों से, शहर के विभिन्न स्थानों से, गांवों से आए हुए हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इन विद्यार्थियों की एक निश्चित दिनचर्या होती है, सुबह 5 बजे उठना, योगासन प्राणायाम करना, यज्ञ संध्या प्रार्थना आदि करना और व्यक्तित्व विकास के गुण इनको बताना। बौद्धिक का भी कार्यक्रम होता है जिसमें इनको बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, तो ये बच्चे 5 दिन तक यहीं रहकर इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम इन बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश का कल का भविष्य है और अगर एक नींव, अगर भविष्य के लिए अगर हम एक मजबूत नींव का निर्माण करेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जो ये बच्चे ही कर पाएंगे। आध्यात्मिक, मानसिक उन्नति करना और इनमें देश प्रेम की भावना बनना, मातृभक्त, पितृभक्त बनाना इनको, और ये सब बच्चे यहाँ पर आके इकट्ठे रहना सीखते हैं, मंच संचालन सीखते हैं, जूडो, कराटे, लाठी और इस तरह की गतिविधियाँ, सारा दिन ये अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। सबसे पहले हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं उनके अंदर आत्मिक बल आता है, शारीरिक बल आता है, जिससे उनका आगे जो भविष्य है वो सुधरता है। जो आज का जो कल्चर है जिसमें लोग इंटरनेट के बहुत हैवी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ उनको बच्चों से बिल्कुल दूर रखा जा रहा है। ये दूर रखने से उनके अंदर की जो मानसिक शक्ति वो बढ़ रही है। आज का जो युवा है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हो गया है, व्हाट्सएप का हो गया है, इंटरनेट के द्वारा बहुत ज़्यादा लुप्त हो चुका है, गेमों का हो चुका है, जैसे पबजी वगैरह गेम है। इन्होंने देश का भविष्य ख़राब कर रहे हैं, नवयुवकों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो देश, हम जो लोग कर रहे हैं इनको इन चीज़ों से दूर रखते हुए आज इनको प्रोग्रेस करवा रहे हैं कि फ्यूचर इनका क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहिए कि यह शिविर 19 जून से शुरू हुआ था और 23 जून को कल इसका समापन कल होगा। इसका समापन समारोह कल 23 जून को दोपहर 1 बजे तक 2 बजे तक समापन हो जाएगा। इसमें हमने 5 दिन बच्चों को हमने जूडो, कराटे, व्यायाम, प्राणायाम, यानी सुबह 4 बजे से इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी और रात के 10 बजे तक इनकी कुछ ना कुछ कक्षा चलती रहती थी। और यह 5 दिन आवासीय शिविर था जिसके अंदर बच्चों का रहना खाना सब निशुल्क था और बच्चे यहाँ आपस में बाहर रहकर इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कई प्रकार की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की।